अमेठी रायबरेली क्या दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है? एग्जिट पोल में अमेठी को लेकर क्या उलटफेर नजर आ रहा है? स्मृति ईरानी को राहुल गांधी नहीं क्या केएल शर्मा चुनाव हरा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों को लेकर कई एग्जिट पोल बीजेपी को झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अमेठी को लेकर भी बीजेपी के लिए कुछ एग्जिट पोल बुरी खबर ला रहे हैं। जी हाँ, एग्जिट पोल एजेंसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के मुताबिक स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव हार रही हैं और कांग्रेस को यह सीट फिर से मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पोल स्टार्ट महापोल एक्सिस माई इंडिया इस सीट को बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा रायबरेली से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, यहाँ गांधी परिवार एक बार फिर से करिश्मा दिखाने में कामयाब हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस से राहुल गांधी और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं और एग्जिट पोल एजेंसी पोल स्टार्ट के मुताबिक यहां कांग्रेस यानी राहुल गांधी की जीत हो रही है और बीजेपी के प्रत्याशी हार रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि इस सीट से कांग्रेस की जीत हो रही है और बीजेपी ये चुनाव हार रही है। और इसके अलावा सी वोटर भी बता रहा है कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीत रही है। तो अधिकांश जो एजेंसियां हैं वो इस सीट से राहुल गांधी को चुनाव जीतते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में कांग्रेस को ज्यादा कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और समाजवादी का यहां गठबंधन है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटें पिछली बार की तरह दिखाई दे रही हैं। न्यूज रिपोर्ट india.com।